नमस्कार। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को माता शीतला की पूजा और व्रत करने का महत्व है। यह होली के 7 दिन बाद पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार इस पूजा का बहुत महत्व होता है। यह व्रत करने से बच्चों की सलामती, आरोग्यता व घर में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत पर 1 दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है, इसलिए इसे बसोड़ा, लसोड़ा, बासड़िया या बसियोरा भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को 4 महीनों में करने का विधान है। यदि आप चतुर्मासी व्रत कर रहे हैं तो भोग में माह के अनुसार भोग लगाएं, जैसे चैत्र में शीतल पदार्थ, वैशाख में घी और मीठा सत्तू, ज्येष्ठ में पुए तथा अषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर का भोग लगाएं। शीतला माता का स्वरूप कुछ ऐसा है कि वह गद्रब यानी गधे पर सवार होती है, उनके एक हाथ में झाड़ू रहती है और वह नीम के पत्तों को आभूषण की तरह धारण किए रहती है। उनके हाथों में झाड़ू, सूप और ठंडे जल का कलश होता है। माता को साफ सफाई, स्वस्थता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। पहले जब बच्चों को शरीर पर माता निकल आती थी, यानी छोटे छोटे दाने पूरे शरीर पर निकल आते थे, तो बुजुर्ग इसे माँ शीतला का प्रकोप मानते थे। इसलिए माँ शीतला को शांत और प्रसन्न करने के लिए इस व्रत का आरंभ हुआ। शीतला को चेचक नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता की पूजा और ये व्रत करने से चेचक व अन्य बीमारियां नहीं होती। अगर आप सप्तमी को पूजन करते हैं तो सप्तमी से 1 दिन पहले, अगर अष्टमी को करते हैं तो अष्टमी से 1 दिन पहले रात को भोजन बना लेना चाहिए और जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन बासी खाना खाते हैं। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना खाने की मनाही होती है, क्योंकि इस व्रत के बाद गर्मियां शुरू हो जाती हैं। गर्मियों में बासी खाना खाने से बीमार होने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। शीतला माता की पूजा से 1 दिन पहले मीठा चावल, खाजा, चूरमा, मग, नमक पारे, शकर पारे, बेसन की चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि बना लें। कुल्हड़ में मोठ बाजरा भिगो दें। उनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिनमें लाल रंग की सिकाई के निशान न हों। 1 दिन पहले रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके चूल्हे की पूजा करें। रोली मोली पुष्प आदि अर्पित कर पूजा करें। इसके बाद गीले कपड़े से चूल्हे को ढक दें। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता है। पूजा के 1 दिन पहले ही 9 कंडवारे, 1 कुल्लड़ कुम्हार से मंगवा लेना चाहिए। बसोड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपने एक समय का बासी भोजन करना है जो शीतला माँ की पूजा के लिए 1 दिन पहले तैयार किया है। 1 थाली में कंडवारे भरे। कंडवारे में थोड़ा दही, राबड़ी, मीठे चावल, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, भीगा मोठ, बाजरा आदि जो भी बनाया हो रखें। 1 अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, नीम के पत्ते, काजल, फूल, हल्दी, मोली, वस्त्र, होली वाली बड़कूले की 1 माला व सिक्का रखें। शीतल जल का कलश भरकर रखें। पानी से बिना नमक का आटा गूंदकर इस आटे से 1 छोटा दीपक बना लें। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डबोकर रख लें। यह दीपक बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाता है।
पूजा के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा की थाली पर, कंडवारों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली हल्दी से टीका करें, खुद के भी टीका कर लें। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माता मान लेना और शीली ठंडी रहना। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि शीतला माता घर पर हो तो घर पर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता जी को जल से स्नान करवाएं, रोली और हल्दी से टीका करें, काजल मेहंदी मौली वस्त्र अर्पित करें, पूजन सामग्री अर्पित करें, बड़कुलों की माला व आटे का दीपक बिना जलाए अर्पित करें, पहले से बने खाने का भोग लगाएं। पूरी पूजा के समय ओम शीतला मात्रे नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें, आरती या गीत आदि गाकर माता की अर्चना करें, शीतला माता की कथा पढ़ें या सुनें, अंत में वापस जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता हो उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। यह जल पवित्र होता है, इसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए, इससे घर की शुद्धि होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बाद जहां होलिका दहन हुआ था वहां पूजा करें, थोड़ा जल चढ़ाएं, पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें, मटकी की पूजा करें, बचा सारा सामान कुम्हारी को, गाय को और ब्राह्मणी को दे दें। अब बात करते हैं नियमों के बारे में। इस दिन घर में कोई भी ना गर्म कुछ खाए ना पिए। शीतला माता के व्रत के दिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। पूरा दिन ही एक रात पहले बना बासी भोजन करें। चूल्हा नहीं जलाना है इस दिन। एक रात पहले जो भोजन बनाएं वो संभव हो तो ठंडे जल से स्नान करके बनाएं और पवित्र अवस्था में ही बनाएं। उस रात्रि भी ब्रह्मचर्या का पालन करें। अगले दिन सूर्य उदय के बाद तक घर में कोई ना सोए, सब सूर्य उदय से पहले जाग जाएं। दीप अगरबत्ती कपूर माता के आगे नहीं जलाना। पूजा के समय अपने साथ अपने बच्चों को जरूर ले जाएं, क्योंकि संतान की खुशियों के लिए यह व्रत किया जाता है। ताजा भोजन नहीं बनाना। शीतला माता के व्रत की कथा के लिए आप मेरा इसका कथा का वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।